वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि हम एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे किर्चॉफ सेकंड रूल के टॉपिक से रिलेटेड, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था सारा सॉल्यूशन, तो हमने I2 जो करंट है वो हमने सॉल्व कर लिया था, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी। तो यहाँ पर मैं दोबारा सर्किट डायग्राम को यहाँ पर पुट कर देती हूँ ताकि उसको देखते हुए हमें आसानी हो आगे फर्दर सॉल्व करने की। तो देखें, जैसे कि हमने I2 निकाल लिया था जो कि हमारे पास आया 1 एम्पेयर, तो अब हमारे पास जो दूसरा करंट है I1, वो हम कैसे निकालेंगे कि I2 की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमारे पास पहले मौजूद हैं इक्वेशंस। यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, वो जो कि है 6I1 - 2I2 - 28 = 0। तो यहाँ पे उसको मैं दोबारा लिखती हूँ, ठीक है, कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी -28 प्लस 6I1 - 2I2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे I2 की वैल्यू मैं 1 एम्पेयर पुट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे बनता है -28 प्लस 6I1 - 2 × 1 = 0। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू किस तरह से निकल आएगी, वो बन जाएगी 28 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 28 प्लस 2, ठीक है, 2 1 से 2 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 2 आ जाएगा जो कि दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास 2 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ से 6 हो जाएगा, यानी कि I1 के साथ वाला 6 नीचे चला जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 30 / 6, तो I1 हमारे पास बन जाता है 5 एम्पेयर। ठीक है, यानी कि हमारे पास I1 और I2 आ गए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज आए हैं R1, R2, R3, उनके अक्रॉस कौन कौन से हमारे पास करंट्स पास हो रहे हैं। अब यहाँ पे R1 हम देख सकते हैं कि उसमें से हमारे पास सिर्फ I1 पास हो रहा है और जो हमारे पास R3 है उसमें से सिर्फ I2 पास हो रहा है, जबकि हमारे पास जो R2 है उसमें से दोनों करंट्स पास हो रहे हैं, यानी कि I1 I2। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जो दोनों करंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि I1 अपवर्ड डायरेक्शन में है तो I2 जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मीन्स कि जो R2 में से हमारे पास करंट पास हो रहा है वो इन दोनों करंट्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी कि I1 - I2 से हमारे पास वो करंट आएगा जो R2 में से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास IR1 क्या है। IR1 जैसे कि हमने डिस्कस किया सिर्फ I1 पास हो रहा है वहाँ से, जो क्या है हमारे पास 5 एम्पेयर। और IR2 हमारे पास क्या है, IR2 हमारे पास है डिफरेंस I1 का -I2 का, जो कि हमारे पास बन जाता है 5 - 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 एम्पेयर IR2, यानी कि R2 में से जो करंट पास हो रहा है। और हमारे पास IR3 कैसे आएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था यहाँ से कि देखें R3 में से सिर्फ एक करंट I2 पास हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंपल I2 जो कि हमारे पास आया है 1 एम्पेयर। यानी कि ये तीनों करंट हमने सॉल्व कर लिए, इनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर दी जो कि हमारे पास आई हैं 5 एम्पेयर, 4 एम्पेयर और 1 एम्पेयर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको सॉल्व हमने कैसे करना है।